आज जो मेरा टॉपिक है, टुडे माय टॉपिक इज, खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है, व्हाटएवर पर्पस गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर, आप उसे पूरा करें, फुलफिल दैट पर्पस। जो भी आपके साथ बैठा है, व्होएवर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बहन बहन को कहे, सिस्टर से दिस टू द सिस्टर, खुदा ने जो मकसद के लिए आपको बुलाया है, व्हाटएवर पर्पस दैट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर, आप उसे पूरा करें, फुलफिल दैट। और कितने समझते हैं कि मुझे खुदा ने खास मकसद के लिए पैदा किया? How many of you believe that God has made you for a reason? दोनों हाथों को उठा रहे हैं। Raise your both hands. दोनों हाथों को ले रहे हैं। Wave both of your hands. कहें कि खुदावन ने मुझे खास मकसद के लिए पैदा किया। Say that God has made me for a specific reason. मैं समझता हूँ। I think. कि मैं खास मकसद के लिए पैदा किया गया हूं। I have been made for a special purpose. इसी तरह same like that, हर इंसान every person खास मकसद के लिए पैदा किया is गया made for a specific purpose. ताकि वो अपनी नहीं बल्कि उसकी मर्जी को पूरा करे। So that he fulfills his will, not him. जिसकी मिसाल हमें यीशु मसीह की जिंदगी से मिलती है। And we can see example from a life of Jesus Christ. यीशु मसीह ने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। And Jesus said, not my will but your will should be fulfilled. इसका मकसद है कि खुदा ने खास पर्पस के लिए आपको पैदा किया। That means that God has made you born for a specific purpose. वो आपके पैदा होने से पहले, before you were born, आपकी सारी जरूरतों से वाकिफ है। He knew your requirements. आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। Today we are going to look from the word of God. मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से यर्मिया उसका पहला बाप। We look from the word of God, Jeremiah chapter 1. उसकी 4-8 है, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, बल्कि 10 है तक पढ़ूंगा। तब खुदा उनका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यू ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छिड़ाने को तेरे साथ हूं। नवी आत में लिखा है, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने, सब कहें देख, मैंने अपना कलाम, Behold, I have put my तेरे मुंह में डाल दिया है, in your mouth, देख आज के दिन, See, I have this day, तुझे कौमों पर, set you over the nation, और सल्तनतों पर, and over the kingdoms, मकरर किया, to root out, उखाड़े, to root out, ठाए, to pull down, हलाक करे, and to destroy, गिराए, and to throw down, और तमीर करे, and to build, और लगाए, and to blend. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। Amen. खुदा का कलाम कहता है पांचवी आयत में, The word of God says in the verse 5, इससे बेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, Before I formed you in the belly, मैं जानता था, I knew you, तेरी वलादत से पहले, And before you come forth, मैंने तुझे मखसूस किया, I ordained you, और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया, You prophet on the nations. यहाँ पर हम देखते हैं, And we look onto this, कि खुदा फरमाता है, And God said, मैंने तेरे पैदा होने से पहले, Before you were born, कि इससे पहले कि तू पैदा होता, Before you were born, मैं तुझे जानता था, I knew you, मैं तुझे जानता था, I knew you, कि इससे पहले कि तू माँ के पेट में पैदा हो, Before you were in the belly of your mom, मैं तुझे जानता हूँ, I know you, और कलाम में लिखा है, And the word of God says, मैंने तुझे, I have, माँ के पेट से क्या किया, I have ordained you, क्या किया जी, What he has done for us. मकसूस किया. I have ordained you from the womb. किसके कहाँ से मकसूस किया? From where he has ordained us. जी माँ के. From the belly. पेट से. From the womb of the mother. बहुत सारे pastors.
many pastors, बहुत सारे बिशप, many bishops, बहुत सारे बाइबल टीचर, many bible teachers, वो ये कहते हैं, they say this, कि ये शख्स तो कोई मकसूस ही नहीं हुआ, that that person is not ordained, ये किस तरह पास्टर बन गया, how can he be a pastor, ये किस तरह बिशप बन गया, how can he be a bishop, ये किस तरह लीडर बन गया, how can he be a leader, जबकि खुदा कहता है, but the God says, मैंने तुझे माँ के पेट से मकसूस किया, I ordained you from the womb of your mother, क्या बिशप का हाथ, पास्टर का हाथ, डॉक्टर का हाथ मेरे खुदा से बड़ा है? As the hand of the bishop, doctor is bigger than the hand of God. जिसको खुदा मकसूस करे, the one who is ordained by God, फिर उसको खुदा इस्तेमाल करता है. God is going to use him. खुदा उसको बरकत के लिए इस्तेमाल करता है. God is going to use him for blessing. दूसरों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है. He's going to use for prosperity of others. दूसरों की deliverance के लिए इस्तेमाल करता है. For the deliverance of others, he uses him. उनके लिए बरकत, तरक्की, सरफराजी के लिए इस्तेमाल करता है। He uses him from the prosperity for the blessing of other people. वो कहता है, देख मैंने तेरे पैदा होने से पहले। He said that look before you were born. मैंने तेरी माँ के पेट में तुझे डेडिकेट किया। I have ordained you from the womb of your mother. मैंने तुझे मकसूस किया। I have ordained you. तू खड़े। You pull out. और तू लगाए जो कुछ मर्जी करे. And you plant and whatever you do. मैंने तुझे इख्तियार दिया है. I have given you the authority. मैंने तेरे मुंह के अंदर. In your mouth. अपने कलाम को रख दिया है. I have given my words. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है. Because the word of God says. उसका कलाम बेतसीर बेनजाम ना लौटेगा. And wherever his word goes, that they have the effect. जो खुदा का कलाम है the word of God, कभी बेतसीर नहीं होता he never comes out unaffected. उसके अल्फाज पूरे होते हैं his words are going to be fulfilled. तो खुदा ने आपके अंदर and in you खास ब्लेसिंग को रखा हुआ God has given you a special blessing. बरकत को रखा हुआ he has given you a blessing. अपने मुंह को दूसरों के लिए बरकत के लिए इस्तेमाल करें use your mouth for the blessing of other people. लानत के लिए इस्तेमाल ना करें curse of other people. बहुत सारी खादमाओं को मैं देखता हूँ I see many women बहुत सारे खादमों को देखता हूँ I see many men of God. दुआ भी करते हैं they pray दूसरों को लानते भी देते and they curse other people as well. तो कभी वो बरकत के वारिस नहीं हो सकते they are not going to be the blessed one. जो लानत बोएगा whoever plant the वो लानत काटेगा and he is going to get the curse. जो दूसरों के बच्चों को लानत देगा and the ones who curse other people वो सारी लानतें उनके बच्चों पर आएंगे they are going to curse on their people. जो आप दूसरों को लानतान करेंगे and if you curse other people वो सारी लानतें आप अपनी जनरेशन के लिए काटेंगे you are going to get the same curses for your generation. जो कुछ आप बोएंगे whatever you sow वही कुछ आप वापस लेंगे you are going to get all those things. तो खुदा ने आपके मुंह में खास कलाम को रखा है God has given his words in your mouth. जिंदगी के कलाम को and this is the word of life. दूसरों को जिंदगी दें give the life to the other दूसरों people. को बरकत दें bless the other people. दूसरों को अपलिफ्ट करें uplift other people. दूसरों के लिए तरक्की का वसीला बने and be a blessing for other people. लोगों की परवाह ना करें do not afraid of people. और खुदा ने कहा and the word of God says तू ना डर Do not be afraid. लोग लोगों से डरते हैं People are afraid of other people. अगर मैं ये काम करूंगी If I do this. अगर ये काम करूंगा If I do that. लोग क्या कहेंगे What are people going to say? मैं तो बोल नहीं सकती I cannot speak. मैं तो काम नहीं कर सकता I cannot walk. अभी एक भाई गवाही दे रहे थे A man, a brother was giving a testimony. जो यहाँ पर एक भाई थे अभी कह रहे थे कि खुदा के खादम मेरी ड्रीम में आया There was a brother giving a testimony that the man of God came to his dream. कहाँ पर है वो भाई? Where is that man? जब भी गवाही दे रहा था. Who was giving a testimony? जिसने कहा कि बाइबल खुदा के खादम ने मुझे दी. He said that the man of God gave him a Bible. इसको मेरे पास लेकर आए. Let him come to me. ये मैंने इनको मिला. I have not met him. लेकिन खुदा का रूह जानता है. But the Holy Spirit knows. और खुदा हर पर्पस के लिए काम करता है एंड द होली स्पिरिट वर्क्स फॉर अ पर्पस और फिर देखे इन्होंने बताया एंड देन यू सी ही हैज टोल्ड अस कि मैं नबीना हो गया दैट आई वाज ब्लाइंड और खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है एंड गॉड इज यूजिंग मी खुदा तो बंद आंखों को भी खोल सकता है गॉड कैन ओपन द ब्लाइंड आईज लेकिन खुदा को पता है बट गॉड नोज आपको पता है यकूब
देख नहीं सकता था. But you know Jacob could not see. कितने लोगों को पता है? How many of you know? ते उदा बेटा उन्हें मुकी ले गया दूसरा. And the other son of his. बरकत ले गया. Get the blessing. क्योंकि उन्हें नजर नहीं सी आंदा. Because he could not see. बाप ने बरकत दी थी. The father blessed. मुंडा बरकत ले गया. And the son took that blessing. तो ये भी याद रखें हमेशा बाप बरकत देता है. And always know that father give a blessing. हम अक्सर कहते हैं. We often say this. जन्नत माँ के कदमों में. That heaven is under the feet of the. कलाम ने उल्टा. The Bible says the opposite. खुदा का कलाम कहता है. The word of God says. जो बरकत है वो फादर से होती है. The blessing comes from a father. तो इसलिए अपने बाप की इज्जत किया करें. Always respect your father. माँ की भी इज्जत करें. Respect your mother. माँ भी साथ ही उसने बेटे को ट्रेन किया. अप्रिशिएट करता हूँ. And the mother trained the son. I appreciate. लेकिन बाप ब्लेसिंग का वसीला बनता है. But the father is a blessing. नस्ल फादर से चलती है. And the generations come from a. तो अपने बाप की हमेशा ऑनर करें. Always honor your father. जिस तरह आप आसमानी बाप की इज्जत करते हैं. The way you respect the heavenly father. जिस्मानी बाप की भी इज्जत करें. Always respect your. अपनी माँ की भी इज्जत करें. And always respect your mother. तो ये भाई बता रहे थे कि पास्टर साहब मेरी ड्रीम में आए. And this man was telling that Pastor Anwar came to my dream. उन्होंने मुझे बाइबल दी. He gave me a Bible. और फिर खुदा ने मुझे कलाम दिया. And then God gave me a word. बस तोबा करो. So that you repent. क्योंकि आसमान की बादशाही. Because the kingdom God नजदीक है. Is near. आप नहीं जानते. You doesn't know. कि कब आप इस दुनिया से चले जाएं. Then you will be out of this world. ऊंचे महल चबारे तेरे. All the worldly things. होरना ने माल लेने. Are going to be someone else. तो याद रखें. So always remember. आप जिस मकसद के लिए बुलाए गए. Whatever purpose have called for. उसको पूरा करें. Fulfill that. किसने पूरा करना है? Who is going to fulfill that? मैंने पूरा करना है सब. I'm going to fulfill. आप खास मकसद के लिए बुलाए गए हैं. You are called for a specific reason. Amen. Amen. आपका नाम? What's your name? रफीक मसीह. जी सलाम पाद साहब. खुदा का शुक्र है भाई साहब. मेरी थोड़ी सी गवाही छोड़ थी कि इस रोया के 3 दिन बाद मैं मदीना कॉलोनी रेंट पर रहते थे. अबू के साथ यहाँ पर चर्च में आया और यहाँ से जब चर्च से मैं घर में गया संडे की इबादत से तो खुदावन का एक खादम पास्टर लियास मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा भाई रफीक मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ. मैंने कहा पास्टर साहब आप मुझे क्या देंगे? तो उन्होंने कहा अपने हाथ बढ़ाओ. मैंने दोनों हाथ बढ़ाए और उन्होंने मेरे हाथों पर बाइबल मुकद्दस रख दी और मैं अपने दिल में कह रहा हूँ कि खुदा मैं तेरे कलाम मुकद्दस को देख नहीं सकता. मैं इसको पढ़ नहीं सकता और तेरा खादिम मुझे तेरा कलाम दे रहा है. और खुदावन के पाक रू ने मेरे रूह को झंझोला और खुदावन ने कहा तूने रोया में कहा था मैं इसकी मुनादी करूँगा. तो मैंने फौरी बाइबल मुकद्दस को चूम कर अपने सीने से लगाया और खुदावन ने मेरा वो शिकवा भी दूर किया जो मैंने खुदावन से किया था कि मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ नहीं सकता. फिर खुदावन ने अपने खादिम के वसीला से मुझे सोलर सिस्टम बाइबल दी जिसके वसीला से 2 बार मैंने बाइबल मुकद्दस सुनी. आज 38 बार मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ चुका हूं और इसी में से मैं ऑडियो के जरिए से मैसेज तैयार करता हूं और खुदावन ने मुझे बहुत से शहरों में इस्तेमाल किया और लोगों ने मेरे वसीला से बपतिस्मे लिए तौबा की और यीशु मसीह को कबूल किया. मैं यह खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं. सारा जलाल सारी इज्जत बाप बेटे रूल कदस को देते हैं. ऑल ऑनर टू द होली स्पिरिट. अब मुंह मेरी तरफ करें सब अपना हाथ देना रफीक मसीह की तरफ बढ़ाएं. खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूल कदस मैं रफीक को तेरे खून में छिपाता हूँ. देख खुदा ये तेरी खिदमत कर रहा है और खुदा ये ब्लाइंड है. मैं इसकी आंखों को भी आज बाप बेटे रूह के नाम में कम देता हूँ. इसकी रोशनी को रिस्टोर कर ताकि यीशु के नाम में ये देखना शुरू करे. इसकी आंखों को हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में नॉर्मल काम करना शुरू करें. हर तरह की आंखों को ब्लाइंड करने वाली स्पिरिट यीशु के नाम में इसे छोड़ और जाती रहे. लाइट लाइट मोर 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 लाइट मोर लाइट लाइट इन जीसस नेम. पाकरू से और कसरत से इस्तेमाल करना ताकि जब ये बीमारों पर दुआ करे बीमार अच्छे हों मुर्दे जिंदा हों. इसके वसीला से तेरा पाकरू क्रिएटिव मिरिकल के लिए इस्तेमाल करें. आज के बाद तेरा बंदा दौड़े चले कभी मान ना पड़े मसीह के नाम में. आमीन. भाई रफीक को उठाए
आज के बाद और खुदा कसर से आपको इस्तेमाल करेगा। God is going to use you abundantly afterwards. मेरा आज का टॉपिक क्या है? Today my topic is कि खुदा के मकदस को जो खुदा का खास पर्पस है उसको पूरा करें। God's special purpose, fulfill God's special purpose in your life. खुदा का पर्पस आपके लिए क्या हो सकता है? What's God's purpose for you? हो सकता है खुदा ने आपको अपनी फैमिली का मूसा बनाया हो। Maybe God has made you a Moses of your family. आपको अपने मसीह बहन भाइयों का मोसेस बनाया हो। Maybe God has made you a Moses of your Christian community. आपके नेबर के लिए ब्लेसिंग का सबब बनाया हो। You might be a blessing for your neighbor. कि आप दूसरे के लिए बरकत का सबब बने। So that you can be a blessing for other people. अपने लिए तो सारे सोचते हैं। Everyone thinks of themselves. मुबारक है जो दूसरों के लिए सोचता है। Blessed are those who think about the other. दूसरों के लिए बरकत का सबब बनता है। Those are the reason for the other people. तो मेरे अजीजों दूसरों के लिए क्या करें बरकत का सबब बने। So you need to be a reason for the other people. So इसी तरह हम खुदा के कलाम में देखेंगे जॉन उसका 5 बाब और उसकी 41 से 40 आयत तक का पाप पढ़ सकते हैं। We will look from the word of God, John chapter 5 verse 41 to 44. खुदा के कलाम में यूं लिखा है। It is written in the word of God. मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। I receive not honor from men. लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। But I know you. तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। That you have not the love of God in you. मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। I am come in my father's name. तुम मुझे कबूल नहीं करते। And you receive me not. अगर कोई और If an other shall come, अपने ही नाम से आए, in his own name, तो उसे कबूल कर लोगे। You will receive. तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, how can you believe which receive honor from one another? और वो इज्जत जो खुदाए वाद की तरफ से होती है नहीं चाहते। And seek not the honor that come from God only. क्योंकि ईमान नहीं ला सकते। You cannot believe. ये ना समझो। Do not think कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। That I will complain about you to the Lord. तुम्हारी शिकायत करने वाला तो यही है। You have a person who is going to complain. यानी मूसा। Like Moses. जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। You have a faith on him. क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते। Because if you have believed Moses. तो मेरा भी यकीन करते। You have believed me as well. खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। Amen. खुदा के कलाम में यू लिखा है। The word of God says, मैं आदमियों से इज्जत क्या नहीं चाहता। I do not receive honor from men. मैं आदमियों से इज्जत I do not नहीं चाहता। I do not want respect from people. कौन कह रहा है? Who is saying that? जी Who is saying that? यीशु मसीह कह रहा है। Jesus Christ is saying, उसने कहा कि मैं आदमियों से इज्जत I do not receive नहीं चाहता। Honor from men, किससे इज्जत चाहता हूँ? Whom I want honor from? अपने बाप से। I want it from my father. हमारी कोई जरा सलाम ना करे। If somebody do not greet us, बड़ा पास्टर भी हो। If he is a big pastor, पास्टरानी हो। If he is a woman pastor, रोजे रखता हो, if he fasts, गैर ज़बाने बोलता हो, if he speaks in tongue, और अपने आप नूं बड़ा फनेखा समझदा हो, and he thinks of himself a very big person, तो उदा attitude की हुंदा? His attitude will be, इन्हें ते मैनूं सलाम ही नहीं कीता, he does not greet me, and जी है ना? Isn't it like that? ते अगो साडा मूड ही बड़ा फर्क हुंदा। Then our mood will be very changed. ऐसी है ना? Isn't it like that? क्योंकि हम आदमियों को ज्यादा तरजीह देते हैं। Because we give the priority to the men. हम आदमियों को लोगों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। We give the priority to the people. कि ये मेरी इज्जत तो लोग मेरी इज्जत करें। That people should respect me. लोगों से तो को ना करें। Do not expect from people. जब आप बाप की इज्जत करेंगे When you will honor the father, जब आप बाप को खुश करेंगे When you will please the father, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे Then people are going to respect you.
क्योंकि जो बाप की इज्जत करता है, because the one who respect the father, बाप उसकी इज्जत को बढ़ाता है, and God uplift his honor, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, this is experience of my life, तो लोगों की परवाह ना करें, do not be care about people, कि लोगों को ना देखें, do not look at people, वो आपकी इज्जत करते हैं नहीं करते, whether they respect you or not, don't care, do not care, लोगों की केयर ना करें, do not care about people, परवाह ना करें, do not care about them, अपना फोकस, your focus, अपने पर्पस पर रखें, योर फोकस शुड बी ऑन योर पर्पस, कि आप किस मकसद के लिए खुदा ने आपको बुलाया, व्हाट पर्पस गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर, अपना टाइम वेस्ट ना करें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपनी निगाहें खुदा पर रखें, यू शुड ऑलवेज सी गॉड, खुदा के साथ वफादार रहें, बी फेथफुल विद गॉड, क्योंकि कलाम कहता है, बिकॉज़ द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, you should be faithful till that and he is going to give you the हम crown choti choti cheezon ke liye about the small things yesu ka inkar kar dete hain do not accept the jesus christ aur hum kehte hain ki hum to masih nahi hain we say that we are not christians aapne yesu ka jab inkar kar diya if you reject jesus christ aap yesu se kharij then you will be denied by jesus christ kabhi logon ki parwah na kare do not care about people किसकी परवाह करें यू शुड ऑलवेज केयर अबाउट खुदा की परवाह करें यू शुड ऑलवेज केयर अबाउट गॉड क्योंकि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन नॉट प्लीज पीपल क्योंकि खुदा के कलाम में अगर हम देखें गलतियों उसका पहला बाब 10 आयत में इफ वी लुक एट गलतियंस चैप्टर 1 वर्स 10 अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को फॉर डू आई नाउ पर्सन मैन और गॉड क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ और डू आई सीक टू प्लीज मैन अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता फॉर इफ आई येट प्लीज मैन तो मसीह का बंदा आई शुड नॉट बी ना होता अ सर्वेंट ऑफ गॉड खुदा का कलाम क्या कहता है द वर्ड ऑफ गॉड सेज अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को पर्सन मैन और गॉड किनू दोस्त बनाना हु शुड बी अ फ्रेंड विद आदमियों नु या खुदा नु मैन और गॉड खुदा को दोस्त बनाएं यू शुड ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद जीसस क्राइस्ट जब आप उसको दोस्त बनाएंगे व्हेन यू विल बी अ फ्रेंड विद अ गॉड वो आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा ही विल अपलिफ्ट योर ऑनर और वो आपको अपलिफ्ट भी करेगा ही इज गोइंग टू अपलिफ्ट यू जब आप दोस्तों को बनाएंगे दुनिया को दोस्त बनाएंगे व्हेन यू विल मेक पीपल योर फ्रेंड जैसे ही दोस्त इधर उधर होता है ना व्हेन द फ्रेंड इज हियर और देयर ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਹਿਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ ਹਨ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ ਉਹ ਆਪਕੇ ਦੋਸਤ ਹੋਤੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਰੀਫੇ ਕਰਤੇ ਹਨ ਦੇ ਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਜੈਸੇ ਉਨਕੋ ਪੀਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪਲੀਜ਼ ਦਮ तो आप लोगों को खुश करेंगे या खुदा को आर यू गोइंग टू प्लीज गॉड और मैन कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो डजंट मैटर हाउ क्लोज दैट फ्रेंड इज दोस्त दोस्तों को मरवा देते हैं एंड द पीपल मेक अदर फ्रेंड्स मेक अदर पिछले दिनों में मैंने बहुत सारी न्यूज देखी आई हैव सीन मेनी न्यूज लास्ट कि दोस्तों ने दोस्तों को कत्ल करवा दिया एंड द फ्रेंड्स मेक देयर फ्रेंड्स बी डेड अपने लालच के लिए बिकॉज ऑफ देयर ग्रीडीनेस क्योंकि वो दुनियावी दोस्त थे बिकॉज दे वर द वर्ल्डली फ्रेंड्स यानी कि वो तो बंदा सिंसियर उससे प्यार कर रहा है That one person is sincere with the other person. लेकिन दोस्त धोखा दे देता है. But the other friend was not sincere with him. आपकी friend बना लें किसी को? If you make your friend, वो आपको धोखा दे सकती है. He is going to be unfaithful. आपका कोई दोस्त बना लें? If you make a friend, वो आपको धोखा दे सकता है. He can be unfaithful with you. लेकिन खुदा कभी आपको धोखा नहीं दे सकता. But God is never going to. अपना दोस्त किसको बनाएं? Make your friend. किसको बनाएं? Make your friend. खुदा को बनाए मेक योर फ्रेंडशिप विद गॉड क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है बिकॉज़ द मैन ऑफ गॉड सेज क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ डू आई वॉन्ट टू प्लीज मैन अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता If I yet please man, तो मसीह का बंदा आई शुड नॉट मी क्या ना होता जी पाजी I should not be मसीह का बंदा ना होता I should not be a servant of God आप कभी भी आदमियों को खुश नहीं कर सकते You cannot please men मैंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा कर लिया I have seen this in my life अगर आप लोगों को खुश करते रहेंगे If you please people तो आप खुदा को खुश नहीं कर पाएंगे You cannot please God सिर्फ खुदा को खुश करें Only please God किसी को खुश मत Do not please other people अगर आप
दुनिया को खुश करेंगे, if you please the world, तो आप नाकाम हो जाएंगे, then you are going to be failed. आप फेल हो जाएंगे. You are going to be failed. अगर कामयाब होना चाहते हैं, if you want to be successful, अपने मकसद में, in your purpose, जिस मकसद के लिए खुदा ने बुलाया, God has called you for that purpose, फिर उसको खुश करें. Then you please the God. कहिंदे रब खुश. The people says that if the God is happy, the world is happy. ऐसी है ना? Isn't it like that? जे रब भी नाराज हो गया, if the God is not happy with you, तो सब कुछ खत्म हो गया. Then everything is going to be finished. कलाम में लिखा अगर सब दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर लूं, and the word of God says that if I receive the all worldly thing, अपनी जान का ही नुकसान उठाऊं, and if I do not get the तो मुझे क्या हासिल? Benefit of my life, what would I receive? अगर आप अपनी जान को खो दें, if you lose your life, आपने क्या कमाया? What have you earned? Zero बटा zero. It's a zero. खुदा ने इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया. God has not made you for this. खुदा ने हमें पैदा किया है. God has made us born. माँ के पेट से मखसूस किया. From he has ordained us from the womb of the mother. क्योंकि वो कहता है मैं तेरे पैदा होने से पहले जानता हूँ. Because he says that I knew you. मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है. I have called you with your name. कितने समझते हैं मेरा नाम लेकर उसने मुझे बुलाया? How many of you believe that he has called you by your name? सब कहें मैंने तेरा. Everyone says that I. नाम लेकर बुलाया है. I have called you with your name. तू मेरा है. You are mine. जब तू सलाब में से गुजरेगा, when you will walk from the water, तो मैं तेरे साथ रहूंगा. I am going to be with you. जब तू नदियों को बूर करेगा, when you are going to walk the rivers, तो ये तुझे ना डुबोएंगी. You cannot be drowned. जब तू आग पर चलेगा, when you are going to walk on the fire, तो शोला तुझे ना जलाएगा. He cannot make you burn. क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है. I have called you with your name. सब कहें मैं खुदा का बुलाया हुआ हूँ. I am called by God. मैं खुदा के लिए खास हूँ. I am special of God. मैंने लोगों को खुश नहीं करना. I am not going to please people. तो इसलिए, that's why, अपना वक्त जाया ना करें. Do not waste your time. जो खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, God has given you a blessing, उसको enjoy करें. Enjoy that. क्या करें? Enjoy that. Enjoy करें. Enjoy it. अगर आप खुदा लोगों को खुश करेंगे, if you please other people, इसका मतलब है कि आप अपनी खुशियां दूसरों को दे रहे हैं. That means you are giving your joy to others. जो खुदा ने आपको बरकत दी है, whatever God has blessed you with, उसको खुश करें. Please him. अपनी लोगों की परवाह ना करें. Do not care about people. अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, if we look from the word of God, खुदा के कलाम में हम देखते हैं दूसरा सैमुअल 6 बाब 20 आयत. Second Samuel chapter 6 and verse 20. खुदा के कलाम में से हम देखते हैं दूसरा सैमुअल 6 बाब 20 आयत. Second Samuel verse 20 and chapter 6. कितने लोग दूसरों की परवाह बड़ी करते हैं? How many of you care about the other people? के लोग की कहेंगे? The what are people going to say? एंजी कहने हैं ना? Isn't it like that? कहेंगे लोग की कहेंगे दसो जी पादरी साहब. They say that people are going to say. लोगों ने तो कहेंगे ही रहना. The people are going. जो मर्जी कर लो तुसी. The people will keep saying. लोगों ने तब्दील नहीं कर सकते. You cannot change the people. छे बाप त्योदी वी आत. तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे और सौल की बेटी मीका दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों के लोंडियों के सामने अपने आप को बरहना किया जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो. Then David returned to bless his household and Michal the daughter of Saul came out to meet David and said how glorious was the king of Israel today who uncovered himself to the day in the eyes of the handmaids of his servants as one of the vain fellows shamelessly uncovered himself. Amen. और यहां पर हम देखते हैं, and we look here, कि जो सौल की बेटी है, and the daughter of Saul, उसने कहा कि कैसा शख्स है, that what kind of person is जिसने that, अपनी लौंडियों के सामने in front of his handmaids,
अपने आप को बरहन्ना किया, नंगा किया। He has uncovered himself, किसको पता ही नहीं है that he doesn't know, कि ये क्या शख्स कर रहा है that what that person is doing, और खुदा का बंदा दाऊद And the man of God David, नाच रहा था। He was dancing, खुदा को खुश कर रहा था। He was pleasing the God, खुदा की worship कर रहा था। He was worshiping God, और वो इतना महब था। And he was so into it, उसको कोई अंदाजा नहीं था लोग क्या। And he doesn't know what people were saying, वो यही जानता था सिर्फ मैं अपने खुदा को खुश कर रहा हूँ। And all he knows that he is pleasing his God, उसको किसी का डर नहीं था। He was not afraid of anyone, उसको अपनी लौंडियों का डर नहीं था। He is not afraid of the man, उसको किसी और का डर नहीं था। Afraid of anyone. सिर्फ खुदा का डर था। He was only afraid of God. और खुदा के कलाम में लिखा है। And the word of God says. कि सौल की बेटी ने कहा। And the daughter of God. ये कैसा शख्स है? And what kind of person is he? कि बेहया शख्स। He is a shameless person. फिर खुदा ने क्या काम किया? And then God said. खुदा ने उसके रहम को बंद कर दिया। And God stopped his blessing. जो खुदा के ममसू को छूता है। And who touched the man of God? जो खुदा के ममसू के खिलाफ बोलता And है। And who talk against the man of God? खुदा उनके रहम को बंद कर God देता है। God is going to stop their blessing. उनके लिए आसमान को बंद कर देता And है। And he closed the door of the heavens. और इसी तरह। And same like that. जब आप खुदा के ममसू को छूते हैं When you are going to touch or say something about the man of God, आप खुदा की आंख को छूते हैं You are going to touch the eye of the God. किसको छूते हैं Who do you touch? खुदा की आंख को You are going to touch the फिर क्या हुआ Then what happened? खुदा ने उसका भी रहम बंद कर दिया God stopped his blessing. फिर आगे हम देखते हैं And we look afterwards. पहला सैमुएल 15 बाब 24 ऐसे First Samuel chapter 15 and verse 24 सौल ने कहा ये लोग उनके अमलीकियों के हाथ ले आए हैं इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदाम तेरे खुदा के लिए जिबा करें और बाकी सब को तो हमने नेस कर दिया तब सैमुएल ने सौल से कहा ठहर जा जो कुछ खुदाओं ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बता दूंगा उसने कहा बताइए सैमुएल ने कहा तू तो अपनी नजर में हकीर था तो भी क्या तू बनी इसराइल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया और खुदाओं ने तुझे मस्सा किया ताकि तू बनी इसराइल का बादशाह हो और खुदावन ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा गुनाहगार अमालिकियों को नेस कर और जब तक वो फना ना हो जाएं उनसे लड़ता रहे बस तू ने खुदावन की बात क्यों ना मानी बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा खुदावन की नजर में बुरा है सऊल ने सैमुएल से कहा मैंने तो खुदाओं का हुक्म माना जिस राह पर खुदाओं ने मुझे भेजा चला अमलीकियों के बादशाह अजाज ले आया हूं अमलीकियों को नेस कर दिया पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें उनको जिनको नेस करने को था ले आए ताकि जुलजलाल में खुदाओं तेरे खुदा के हजूर कुर्बानी गुजारें कुर्बानी करें सैमुएल ने कहा क्या खुदा उन सोखती कुर्बानियों और जिबियों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का क्या किया जाए हुक्म माना जाए देख फरमा बरदारी सुनिए गौर से देख फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है क्योंकि बगावत और जादूगरी खुदा का कलाम कहता है क्या है बगावत और जादूगरी The word of God says that बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तश सोचूं के तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है इसलिए उसने भी तुझे क्या कर दिया तूने खुदा के हुक्म को क्या किया रद्द कर दिया ते जा फिर उन तेनू भी खुदा ने रद्द किया कि बादशाह ना रहे सऊल ने सैमुएल से कहा चबी में आया जड़ी निमरा कह रही सी
मेन मेरी वर्स सब कहें सौल ने सैमुअल से कहा Everyone says Saul said unto Samuel मैंने गुनाह किया I have sinned कि मैंने खुदावंत के फरमान को For I have transgressed the commandment तेरी बातों को टाल दिया of the Lord and thy words क्योंकि मैं लोगों से डरा because I feared the people और उनकी बात सुनी and obeyed their voice so अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ now therefore I pray मेरा गुनाह बख्श दे pardon my sin और मेरे साथ लौट चल and turn again with me ताकि मैं खुदावंत को सिजदा करूँ that I may worship सैमुअल ने सौल से कहा And the Samuel said unto the Saul, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा I will not return with you, क्योंकि तूने खुदावन के कलाम को रद्द किया for you have rejected the word of God, और खुदावन ने तुझे रद्द किया and Lord has rejected कि इसराइल का बादशाह ना रहे being the king over Israel. मेरे जीजो, my people, खुदा के कलाम में 24वीं आयत उसकी लास्ट पार्ट में लिखा है And the verse 24, क्योंकि मैं लोगों से डरा because I feared the people, और उनकी बात सुनी and obeyed their voice, किनकी बात सुनी and obeyed their, लोगों से डरा and I feared the people, और उनकी बात सुनी and I obeyed them, असी किन्हां दी सुनने and who do we listen to, असी लोगों दा डर बोता रखने and we feared the people the most, ओए ऐ की कहेगा That what the other people is going to say. की कहेगी? That what is she going to say. मेरा चाचा की कहेगा? What my uncle is going मेरी to मासी say. की कहेगी? What my aunt is going to मेरा say. फुफा की कहेगा? What my uncle is मेरा going पादरी to की कहेगा? What my pastor is going to say. मेरी बहनों मेरे भाइयों My sisters and brothers. आप अपने चाचे मामे ताया फुफिया फुफड़ा का मुंह बंद नहीं कर सकते You cannot shut the mouth of your uncle and aunts. यीशु मसीह को खुश करें प्लीज गॉड जिस मकसद के लिए आप बुलाए गए यू आर कॉल्ड फॉर अ पर्पस लोगों से ना डरें डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल लोगों से ना डरें डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल हम लोगों से ज्यादा डरते हैं वी फियर मोस्ट द पीपल खुदा से डरते ही नहीं एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड खुदा के कलाम में लिखा है एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेड तूने खुदा के कलाम को रद्द किया यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड खुदा के हुक्म की नाफरमानी की एंड यू हैव रिजेक्टेड द कमांड ऑफ गॉड तो खुदा ने भी तुझे क्या कर दिया एंड गॉड हैज आल्सो खुदा ने क्या कर दिया व्हाट हैज द गॉड डन रद्द कर दिया गॉड रिजेक्टेड यू पहले बेटी दाऊद से कर्ज करन दई व्हेन द डॉटर वाज कर्सिंग डेविड डेविड ते फिर पियो ने उद्गो भी काम पा लिया एंड नाउ द फादर हैज आल्सो कर्ज ते खुदा ने किन्नु बादशाह बनाता एंड गॉड मेड द किंग ओ जेड़ा लोगों दी परवाह नहीं सी करन दिया दैट द पर्सन हु डजंट केयर अबाउट के लोग की कहनगे द व्हाट पीपल आर गोइंग टू से लोग क्या कहेंगे व्हाट पीपल आर गोइंग टू से दोनों कोई परवाह नहीं सी डेविड डजंट केयर अबाउट द पीपल के मैं ते नंगा हो गया दैट आई एम नेकेड लेकिन वो खुदा नु खुश कर रिया सी ही वाज प्लीजिंग गॉड मेरे जीजो माय पीपल लोगों की परवाह ना करें डू नॉट केयर अबाउट द पीपल जिस मकसद के लिए खुदा ने बुलाया है गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर अ पर्पस उसको मकसद को पूरा करें यू शुड फुलफिल दैट पर्पस कल को आप भी खुदा के फजल से बिलियनियर बन सकते हैं यू विल अ बिलियनियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ट्रिलियनियर बन सकते हैं यू कैन बिकम अ ट्रिलियनियर खुदा आपको जीरो से हीरो बना सकता है गॉड कैन मेक यू अ हीरो फ्रॉम जीरो दाऊद क्या था David was भेड़ बकरियां चराने वाला था David was in sheep and oxen कोई घर वाला भी नहीं सिखा पांदा and his family was not considered पियो भी इज्जत नहीं सिखारदा and the father does not dishonor him जब खुदा का बंदा मसा करने के लिए आया था when the man of god ordained उन्हें अपने अच्छे-अच्छे बच्चियां नु पेश कीता and he showed his good लेकिन दाऊद किन्नु खुश करदा सी but David was भेड़ा चरांदा सी David was always in the sheep ते यीशु नु खुश करदा and he was pleasing the उन्हें पता सी अब्बा भी नहीं पूछदा he know that the father does not भरा भी नहीं पूछदे and the brothers does not consider हो सकता me आपका भी ऐसा ही हाल हो you might be in the same situation आपके रिश्तेदार भी ना आपको पूछते हो the relative doesn't consider you आपका कोई अजीज भी ना पूछता हो and your dear ones doesn't consider you जब गरीब होता है ना इंसान when a person is poor उसको कोई जल्दी पूछता नहीं है no man can consider कोई नहीं कहेगा मेरा रिश्तेदार जे nobody says that he is my relative सका भी होगा कहने के नहीं मेरा तो रिश्तेदार ही नहीं है even he was close he says no he is not आपको तजुर्बा हुआ ऐसे कभी have you experienced मुझे तजुर्बा है i have experienced जब आपके पास पैसे आ जाएं when you get the money लो तो आड़े पावे
दस नस्लां तो भी कहणगे ते साडा साडा भरा ही इवन ही इज आवर रिलेटिव फ्रॉम अ फादर ऐसे कहते हैं ना ही इज माय फादर इजंट इट लाइक दैट यूसुफ के साथ क्या हुआ What happened with the Joseph? उसके भाइयों ने उसको कहाँ डाल दिया? What does the brothers did with him? खूह में, खूह ही पाया था। In the wall. लेकिन खुदा ने खूह तो चोट के किथे बिठाता? But God took him from there. तख्ते शाही पर बिठा दिया। To the throne of the king. खुदा वो है। God is. लोग आपको कुएं में गिरा सकते हैं। People can put you in the wall. आपके भाई Your brothers, आपकी बहने your sisters, आपके दोस्त your friends, आपके जीस your relatives, लेकिन मेरा यीशु मसीह Jesus Christ, है, that is, जो कुएं से निकाल कर that is put you आपको तख्ते शाही पर बिठा सकता he है can make you sit on the throne, आपको सरफराज कर सकता he है can prosper you, वो कुएं से उठाकर from the wall, सरफराज कर सकता he is going to prosper you, अब आपकी बारी है Now, that's your turn. सरफराज सोने की to prosper, आपके बच्चों की बारी for your children, आपके खानदान की for बारी your family, लोगों को खुश न करें to, do not please people, मेरे यीशु को खुश please करें my God. खुदा आपको जीरो से उठा कर हीरो God can make you hero from zero. आप अपनी आंखों से देखेंगे you will look from your eyes. लोगों की परवाह न करें do not care about people. कि लोग क्या कहेंगे what people are going to say. लोगों ने जो मर्जी कहन दियो लोगों को क्या करें Do not please people. जो मर्जी कहने दे. Doesn't matter what they say. लोगों की परवाह नहीं करनी. Do not care about the people. किन्हों खुश करना. You need to please. Yes, sir. You need to please God. जो आपको खुदा ने बरकत दी है. Whatever God has given you a blessing. उसको enjoy करें. Enjoy that. कोई सड़दा है तो सड़े. If somebody is jealous, let them be. बांबर बलदा है तो बले. Let the fire be there. सानू की लगे. Oh, we doesn't care. असी तो यीशु ने खुश करना. We are going to please God. सड़न वाले सड़दे रहेंगे. The jealous people. People will be jealous. तुसी वादे रहोगे. You are going to grow. क्यों जी हाँ जी? Isn't it like that? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. तो खुदा आपको भी सरफराज कर सकता है. God can prosper you as well. खुदा आपको बरकत दे, आपको भी uplift करे. God uplift you as well. कितनों का ईमान है कि खुदा ने मुझे खास मकसद के लिए बुलाया? How many of you believe that you are called for a specific आप purpose? आप ऐसे ना समझा करें कि मैं खास नहीं हूँ। You do not think that you are not special. आप भी खास हैं। You are also special. और आपके मुंह के अंदर खुदा ने कलाम रखा हुआ है। And God has put His words onto your mouth. देने हैं सोच समझ कर बोला करें। And the sister, be careful. कभी बच्चियाँ नूमी ना लानत दिया करो। Do not curse your children. किसी नूमी लानत ना दो। Do not curse anyone. अगर आप लानते देते रहे हैं। If you have given the curses. उस लांतों की वजह से आपकी बरकत रुकी हुई है। Your blessings are being stopped because of that curse. कई बहनें दूसरों की बेटियों को लांते देती हैं। And some sisters cut the other daughters. और इसीलिए उनको बीमारियां हैं। And that's why they are being. क्योंकि जो बोगे And whatever you sow, वो इस दुनिया में ही काट लोगे। You are going to reap that in this world. Everything is going to be balanced. तो इसलिए That's why, तौबा करें Repent. और खुदा को अपना दिल दें। And give your heart to the आमीन पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहन को क्या बात? कॉलेज का अटैक हुआ। जी, आपदा। आए सब आप बहन आपदा की तरफ हाथ बढ़ाएं। Everyone raise their hand toward them. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस। Lord the Father, Son and Holy Spirit. मैं बहन आपदा को तेरे खून में छिपाता हूँ। I put sister आपदा into your precious blood. Paralyzed पन। Every kind of paralyzed. यीशु के नाम में इसे छोड़। Leave her right now in Jesus' name. जाता रहे। Go away. इसका brain system. Her brain system. Normal काम करे। Become normal. और इसकी टांगे। And her legs. यीशु के नाम में normal काम करना शुरू करे। Start working normal in Jesus' name. और खुदा आज के बाद। And God from today onward. Blood इसके बाजू के अंदर। A blood in her arm. इसकी टांगों के अंदर। In her legs normal flow करना चले करना शुरू करे start flowing normal यीशु के नाम में in jesus name ताकि ये गवाही दे so that she give testimony और जितनों को फाले जाए and all the people who are being paralyzed जो ground के अंदर हैं who are in the ground ground से बाहर हैं who are out of the ground tv पर देख रहे हैं watching on tv paralyzed pan every kind of paralyzed यीशु के नाम में हर एक को छोड़ leave every person in jesus name यीशु के नाम में जाता in jesus name go away amen amen God bless you. बहन आप दा गवाही देंगी आप. You are going to give the testimony. क्या बात? मुझे खुदावन का क्या नाम इसका?
खुदा बाप जो भी अब्लीस ने इसको पकड़ा है, अब्लीस यीशु के नाम में जो एरिया को छोड़, गो 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 इन जीसस नेम, आमेन। चलता नहीं है डॉक्टर साहब, चलता नहीं। क्या नाम है? यान। बेटा आपका? खुदा बाप इसकी टांगें अब्लीस ने जकड़ी हुई हैं, मैं इसकी टांगों को बाप बेटे रूह के नाम में खोलता हूं, ताकि मसीह के नाम में इसकी टांगें खुल जाएं और ये चलना शुरू करे और इसका ब्रेन सिस्टम नर्व सिस्टम नॉर्मल काम करना शुरू करें, पैरालाइज करने वाली स्पिरिट गो 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 इन जीसस नेम। और आज के बाद इस भाई की गवाही आए और ये अपने बच्चे की आकर गवाही दे, इसके परेशानी को खुशी शादमानी में तब्दील कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए सब दुआ करें, आंखें बंद करें। एवरीवन लेट्स प्रेयर, क्लोज योर आईज। मेरे पीछे दुआ करें, कहे खुदा बाप। रिपीट आफ्टर मी, लॉर्ड द फादर। कहे खुदा बाप। एवरीवन सेज लॉर्ड द फादर। अगर मैंने किसी को कर्स किया, इफ आई हैव कर्स्ड एनीवन, खुदा मैं ने किसी पर लानत किया, इफ आई हैव कर्स्ड अपॉन एनीवन, तेरे रूह को जिदा किया, एंड आई हैव मेक यू सैड, और खुदा मैं अपने गुनाह का, एंड गॉड आई हैव कन्फेस्ड माय सिन, इकरार करता हूं करती हूं, आई कन्फेस माय सिन, तू मुझे माफ कर, फॉरगिव मी, अगर मेरी लानत की वजह से, एंड इफ बिकॉज ऑफ द कर्स आई हैव गिवन टू द अदर्स, जो मैंने दूसरों को दी है, दैट आई हैव गिवन टू द अदर्स, मेरी बरकत रुकी हुई है, माय ब्लेसिंग्स हैव बीन स्टॉप्ड, तो आज टुडे मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, आई कन्फेस माय सिन, तू मुझे माफ फरमा, फॉरगिव मी, और मुझे बहाल कर, एंड रीस्टोर मी, ताकि मेरा कारोबार बहाल हो, सो दैट माय बिजनेस विल बी रीस्टोर्ड, मेरा खानदान बहाल हो, सो दैट माय फैमिली विल बी रीस्टोर्ड, मेरा बदन बहाल हो, सो दैट माय बॉडी विल बी रीस्टोर्ड, ये बीमारी, एंड दिस सिकनेस, जो लानतान की वजह से है, इज बिकॉज़ ऑफ द कर्सेस, यीशु के लहू से धुल जाए, बी क्लीन्ड विद द ब्लड ऑफ गॉड, मैं तेरे खून को, योर ब्लड, अपने बदन के अंदर लेता हूं, आई आस्क ऑन इनटू माय बॉडी, तू मुझे माफ कर, फॉरगिव मी, और जिस मकसद के लिए बुलाया है, एंड व्हाटएवर पर्पस यू हैव कॉल्ड मी, उसको मैं पूरा कर सकूं, आई विल फुलफिल इट, जो काम तू मुझसे लेना चाहता है, एंड द वर्क यू वांट मी टू डू फॉर यू, खुदा उसके लिए मैं तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर दैट, ताकि जलाल बाप बेटे रूह कुदस तुझे मिले, सो द ग्लोरी विल बी टू द फादर सन एंड होली स्पिरिट, आमीन।